एक बार श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ गंगा जी में स्नान करने सिद्ध आश्रम गए। संयोगवश वहां श्री राधा रानी भी उसी समय अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान करने पहुंची। रुक्मणी जी ने श्री राधा रानी के अद्भुत सौंदर्य के बारे में सुना था। जब उन्हें यह पता चला कि वे तो राधा रानी से मिलने के लिए उत्सुक होने लगी, उन्होंने श्री राधा रानी को अपने परिसर में आमंत्रित किया, जिसे श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया। जैसे ही श्री राधा रानी ने रुक्मणी जी के परिसर में प्रवेश किया तो सभी रानियां उनके रूप माधुर्य तथा आभा को देखकर स्तब्ध रह गईं। उन्होंने सहर्ष श्री राधा रानी तथा सखियों का स्वागत किया। तब रुक्मणी जी ने श्री राधा रानी से एक प्रश्न किया, सभी रानियां तथा गोपियां श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर प्रेम करती हैं, क्या तुम्हें उनसे ईर्ष्या नहीं होती? श्री राधा रानी मुस्कुराई तथा बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, प्यारी बहनों, चंद्रमा तो केवल एक ही है परंतु चकोर तो बहुत है। कल्पना कीजिए, यदि एक चकोर चंद्रमा पर अपना अधिकार कर ले तो बाकी सब चकोर तो मर जाएंगे। इसी प्रकार सूर्य एक है, हम सभी उसी के प्रकाश से दृष्टि पाते। यदि कोई एक सूर्य पर अधिकार कर ले तो बाकी सब नेत्रहीन हो जाएंगे। संक्षेप में कहें तो श्री कृष्ण ही प्रेम तत्व है। यदि मैं उन पर अपना एक अधिकार कर लूंगी तो अन्य जीव उनके प्रेम से वंचित रह जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मेरे श्याम सुंदर अन्य जीवों से प्रेम करके सुख प्राप्त करते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति क्यों होगी? इन उदाहरणों से अब आप यह समझ गए होंगे कि माइक प्रेम की तुलना श्री राधा रानी व गोपियों के प्रेम से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि दोनों एक क्षेत्र के भी नहीं है तो तुलना करना तो नितांत मूर्खता है। संसार में जीव स्वार्थ से ही प्रेम करता है, इसलिए प्रेम का भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक कामनाओं से परे होना जीव की कल्पना से परा है। हमारा अनुभव माइक क्षेत्र तक सीमित है, अतः हम दिव्य प्रेम को भी उसी पैमाने से नापते हैं। इसलिए हम दोनों प्रेम की तुलना करने की चेष्टा करते हैं। माइक प्रेम का आधार स्वासुख है, जबकि राधा रानी के प्रेम में स्वासुख वासना की गंध भी नहीं। माइक प्रेम को काम या राग कहते हैं, जिसका आधार केवल और केवल स्वार्थ है, जबकि दिव्य प्रेम स्वार्थ रहित होता है, जिसमें सिर्फ देना देना ही होता है। जय श्री कृष्ण।